राक्षस राज रावण को अपनी मायावी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। अपनी शक्तियों के बल पर रावण किसी को भी अपने वश में कर सकता था। अगर आपने रामायण कभी गौर से देखी हो तो रावण के सिंहासन के पास उसके पैर के नीचे एक नीले रंग का शख्स लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। क्या आप जानते हैं रावण के पैर के नीचे दबाए आखिर शख्स कौन है? आखिर क्यों रावण का इस पर हमेशा पैर जमाए बैठा रहता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए हम बताते हैं उस रहस्य के बारे में। ज्योतिषियों के अनुसार रामायण में रावण के पैर के नीचे नीले रंग का जो शख्स दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि न्यायदेव शनि है। शनि देव रावण के सिंहासन के ठीक नीचे पैरों की जगह उल्टे लेटे हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां रावण उनकी कमर पर पैर रखकर बैठता था। पर रावण ऐसा क्यों करता था और शनि कैसे उनके पैरों नीचे आ गए, उसकी एक दिलचस्प कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक मायावी राक्षस था। तंत्र मंत्र की सिद्धियों उसे हासिल थी, उसे महाविद्वान और महाज्योतिष बना दिया। इन्हीं शक्तियों के बल पर वो तमाम तरीके के अपने चमत्कार दिखाया करता था। सभी नौ ग्रहों को वश में करके अपने पास बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों तले रखता था। ऐसा करके वो अपने पुत्रों की कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति थी वो नियंत्रण रखता था। इन ग्रहों में नीले रंग के पुरुष की आकृति जो आपको नजर आ रही है वो शनि देव की ही बताई जाती है।